आतिशबाजी तूने स्टार्ट की है, ख़त्म मैं करूंगा। हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट पहुँच जाए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली डे टू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बोले तो एस्टिमेट, जी हाँ दोस्तों, अगर हम डे वन की बात करें तो डे वन इस मूवी ने करीब 43 करोड़ का ओपनिंग लिए दोस्तों। वर्ल्ड वाइड बोले तो यार 94 करोड़ की बिजनेस की है दोस्तों। लेकिन हम डे टू के बात करें तो यार डे टू इस मूवी का जो कलेक्शन आने वाला है वो बाप लेवल में आने वाला है दोस्तों। मतलब कि यार इस मूवी ने सबको पहल दिया है, लिटरली बोल रहा हूँ यार। मतलब कि इस डे टू आप भी सुन के आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि यार इस मूवी का जो डे टू कलेक्शन आने वाला वो कम से कम तो यार 60 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। हालांकि आपको बता दूं कि इसकी जो ऑक्युपेंसी थी सुबह में बहुत कम थी दोस्तों, लेकिन अचानक से इसकी जो ऑक्युपेंसी है वो शाम में बढ़ गई और इस कदर बड़ी ऑडियंस बोले तो भर भर के थिएटर में आ गई। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस सुपर बोले तो धमाकेदार, मतलब कि जितने भी हेटर्स हैं सबकी नींद उड़ चुकी है दोस्तों। मतलब कि ये लोग यही सोच रहे होंगे कि यार इतनी नेगेटिव रिव्यू दिया मैंने, मूवी की बैंड बजा दी, लेकिन यार इतने अच्छे कलेक्शन कहाँ से आ रहे हैं भाई। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कलेक्शन। तो गाइज फाड़ दिया भाई ने, पहल दिया भाई ने, सबकी पेंड बजा दी भाई ने दोस्तों। तो गाइज चलो कोई बात नहीं है, सुपर कलेक्शन 60 करोड़ 40 100 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ पार मात्र 2 दिन में। अभी तो यार कल का दिन बाकी है, मैन तूफान तो यार कल आने वाली है, पूरी तबाही आने वाली है, पूरी सुनामी आने वाली है कल दोस्तों। और कल 70 करोड़ तो आई होप होना ही होना है दोस्तों, मंगलवार वाला दिन दोस्तों। तो गाइज ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस हेटर्स की प्लाई करनी थी जो कि मूवी ने प्लाई कर दी है और जमकर प्लाई की है भाई, जमकर। तो गाइज टाइगर 3 ब्लॉकबस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा, सलमान भाई, इज प्रॉपर कमबैक। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी मूवी की तलाश थी जो कि आ चुकी है बॉक्स ऑफिस पे। अभी तक आप लोग इस मूवी को नहीं देख रहे हो, मिस मत करना इस मूवी को दोस्तों, कि सलमान खान इज़ बैक, टाइगर इज़ बैक। जी हाँ दोस्तों भाई, कंटेंट वाली मूवी ला रहे हैं आजकल। मतलब नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है भाई की, करण जौहर वाली, वो तो भाई बाप लेवल में जाने वाली है दोस्तों। तो गाइस बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।